हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूँ राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, मैं आज सब्जेक्ट मैथ जो क्लास 8 का है, इसमें कोण के लिए चाप काटना हम सीखेंगे। किस तरह एंगल बनाया जाता है, चाप के तरह किस तरह एंगल बनाते हैं, इसमें आप सीखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें 60 डिग्री का एंगल बनाना, 120 डिग्री का एंगल बनाना और 30 डिग्री का एंगल बनाना, किस तरह एंगल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, कितना हो सेंटीमीटर का हो, इसमें दिया नहीं है तो कितना हो सेंटीमीटर का मान लेंगे। मान लीजिए हमने एक रेखा खींचा, सीधा रेखा खींचेंगे और उस रेखा का नाम रख देंगे ए बी। हो गया ए, ये हो गया बी। उसके बाद कैंपस लेंगे, कैंपस जिसमें पेंसिल लगा हो, कैंपस ले लिए, इसको हम छोटा सा कर लेंगे और यहां से ए बिंदु से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। यहां से लेके पूरा घुमाते हुए पूरा सर्कल बना लेंगे यहां तक, एक बिंदु से, ए बिंदु से बन गया आपका पूरा सर्कल। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको मिला लेते हैं अच्छी से, हो गया। अब यहां से लेके यहां पे नोक, कैंपस का नोक रख के एक चाप काटेंगे, एक चाप कट गया। फिर जहां पे चाप कटा वहां से कैंपस का नोक रख के दूसरा चाप काटेंगे। उसके बाद फिर यहां से रख के इस बीच में चाप काटेंगे और यह जो जीरो है, मूल बिंदु है, यहां से रख के दूसरा चाप काटेंगे और जहां जहां ये चाप कटा उसको पटरी के द्वारा मिलान कर देंगे। ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया, ये आपका बन गया 30 डिग्री का, ये बन गया आपका 60 डिग्री का और ये बन गया आपका 120 डिग्री का। ऐसे 30 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का और 120 डिग्री का। ये हमारा तीनों कोएंगल बन के तैयार। तो दोस्तों, कैसे लगी वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू वेरी मच।